सामने जाओ बिल्ली के पास। ओह ये देखिएगा अब दो छोटे छोटे, एक ये एक वो देख रहे हैं इनको। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में और आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने लगा हूँ दोबारा से, पर एक आज घर नहीं है, पर एक अबू के साथ गया हुआ है कहीं घूमने फिर रहे हैं और मैं लेके जा रहा हूँ। बगे तो खोल के चला गया था, मैं पांडे को, बिल्ले को और छोटे सोने को जो है ना अकेला लेके जाऊँगा चराई के लिए। अभी मुझे समझ नहीं आ रही, कभी खोला नहीं है ये पांडा, ये ना हो मेरी दौड़े लगवा दे बाहर। चले लेके जाते हैं तो पता चलेगा ना क्या करता है ये। गुमसुम गुमसुम सोनू, सोनू की सपना। इन्होंने बच्चे निकाले हैं काफ़ी सारे, फिर उन्हें सारे बांट दिए, सारे फिटो चूज़ों के लिए। तैयब भाई ने टोटका एक बताया है इनको, अभी वो टोटका इस्तेमाल करवाना है। बाजरे का आटा और पता नहीं दो तीन चीज़ें और बताई हैं, वो सारी मिक्स करके वो मैं बनाऊंगा तो वीडियो में आपको बताऊंगा। एकदम से इन्होंने हाइट पकड़ी है ना, तो वो बेचारे टांगों से कमज़ोर हो गए हैं, तो इनके वो टोटके छोटके लगाने हैं। पांडे मियाँ, बिल्ले मियाँ, चलो भाई चलो चलो। मुझे धोखा दे के भाग गया है पांडे को, मैं ले आया हूँ इधर, बड़े मज़े की हरियाली है। चराई कार है, कार से ज़्यादा चराई। असल में अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना पड़ेगा ना, इसको पता नहीं है, नया नया है ना, एक तो इसको इलाके का पता नहीं है, दूसरा अभी इसके साथ मेरी अटैचमेंट इतनी नहीं हुई। अभी रोज़ाना इसको आटा शाटा खिलाऊंगा ना, हाथ हाथ फेरूंगा इसके ऊपर, लाड़ छाट करूंगा, फिर ये मुझे पहचान लेगा। पांडू, हे पांडू, खाना यारा, क्या देख रही है पांडू? पांडू भाग जाएगा ना, एक दफ़ा उस साइड पे मुंह किया ना, स्पीड लगाएगा गगार। ज़रा मैं खोल के इसलिए बाहर लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ एक तो चलो इसको इलाके का पता चल जाएगा, दूसरा ज़रा बाहर ये हरी हरी घास है खाएगा, फिट हो जाएगा। घर में तो इसने भूसा ही खाना है चोकर, पर गर्मी में भूसा और चोकर तो मज़ीद इसको गर्मी कराएगा, चराई से ज़रा खुश हो जाएगा ना। खाओ खाओ टडू पांडू। बछड़े का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, इससे पहले मैंने तकरीबन 2009 में बछड़ी ली थी, 2009 में भी नहीं, उससे भी पहले छोटा सा था, मैं बछड़ी ली थी जब बड़ी हुई थी, बीमार हो गई थी, बेच दी थी, लेकिन वो मैंने खुद तो संभाली नहीं थी, वो साथ अम्मी हेल्प करती थी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ये खुद बछड़ा पालूंगा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बछड़ों का बिल्कुल मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इसके साथ। पांडू को मैंने इस तरह तैयार करना है ना, इतना अपने साथ अटैच कर लेना, फिर मैं एक आवाज़ लगाऊँगा मेरे पास आ जाया करेगा, लेकिन वो टाइम देना पड़ेगा इसको, एक महीना लगातार मैं इसको टाइम दूँ ना, ये बिल्कुल टाइम हो जाएगा पांडू, फिर आवाज़ लगेगी पांडू तो पांडू सीधा मेरे पास। मुझे आगे इसको बंडा ही डालते हैं, अकेले इसका चराई करने का दिल नहीं करता। पांडी 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 पांडी, चलो चलो भागो भागो पांडी, भागो 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 भागो। घर इसको पता नहीं है इधर जाएगा, ठीक है। पांडे के दो छोटे छोटे, एक ये एक वो देख रहे हैं इनको। पांडे के दोस्त मिल गए हैं, चेक करें, उनसे पूछ गछ कर रहे हैं किधर खड़े हो, है प्यारा है माशाल्लाह से छोटा था। पांडे का कलर जो है ना ये बड़ा फिट है। चल है पांडी, पांडी को अभी जाके खुद बांध के इधर बंडा लगाते हैं। पांडे आ जा आ जा, तो ही ट्रैक्टर टाली रखे ही, मटीरियल सटाना यारा, कबूतर ने खुडला बनाना है, खुडला बनाना है। आओ ए बिल्ली, बिल्लू आ, इनको ये इनके दिन की रेस्ट के लिए जगह। रुस्तम होय 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 होय, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, रोटियां लाल करो इसी तरह, कोई आवे ना इस तरह, गुड 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 गुड, होय 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 होय। ये मैंने रखे जानवरों की सिक्योरिटी के लिए हैं, ये अच्छा है कि बोंग डोंग करेंगे ना, चलो बंदे को पता चल जाता है कोई फालतू चीज़ आए ना,
ये पांडू को तो मैंने अपने साथ अटैच कर लेना ना, फिर मैं जिधर भी जाऊँगा पिक्चर का बो। अभी इसके लिए मैं खुराक बना कर ले जाता हूँ, आपको भी बताता हूँ इनकी सिंपल खुराक क्या होती है। ये आम सिंपल तूड़ी है जी गंदम की, ये इन दिनों ले के रख लें अगर आपने जानवर पालने हैं। इन दिनों तो मेरे ख्याल से 1200 मन के हिसाब से बिक रही है, और ये सर्दियों में जाके 1700-1800 रुपये मन के हिसाब से बिकेगी। तो अभी से अगर आपके पास जगह है तो सेव कर लें अगर आपने जानवर पालने हैं। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं गीली होकर के रोटियां रखें, 2-3 घंटे रोटियां गीली रखें, और वो जो है ना आप इसके ऊपर डाल के, और उसके अलावा ऊपर चोकर डाल के ना वो डाल सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास चोकर नहीं है, मैं सिर्फ इसके ऊपर आटा डालूंगा। अभी दोबारा से ये लकड़ियाँ बांध के रखो, काम करा कर, बड़े बच्चे घर के सरबरा होते हैं। ये पांडू को मैंने डाल दिया जी, ये देखें सिंपल ही तूड़ी। ओए सबर सबर सबर, पता है तुसी थे यो तूड़ी है, तूड़ी के ऊपर आटा डाला है। लेकिन आपने ये ख्याल करना जब बकरियों को या बकरों दुम्बों छतरों को आपने डालना, आटा नहीं डालना। उनकी जो है ना आंतें होती हैं थोड़ी नरम, मतलब वो आटा छाटा हजम नहीं कर सकती, वो जो है ना बंद हो जाते हैं। इनकी थोड़ी आंतें बड़ी होती हैं, इनकी जो है ना अंदर से स्टोमिक जो है ना मजबूत होता है, ये आटा छाटा हजम कर लेते हैं। उनको डालना वो सिंपल चोकर, ठीक है, उसके ऊपर ना सूढ़ी वगैरह चोकर डाल के ना खल वगैरह, वो आप जितना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं आप कर सकते हैं। सिंपल जो है ना खुराक जो है इनकी तूड़ी चोकर। बाकी अगर आपको हरे पट्टे मिलते हैं हरे पट्टे भी डाल सकते हैं। ये कल कमेंट आया हुआ था, मैं इसलिए तफसीली बता रहा हूँ, ठीक है। वो चोकर और तूड़ी आप सिंपल रख सकते हैं, जब आपने तैयारी लगानी हो फिर आप मज़ीद खुराक बढ़ा सकते हैं। शाम को एक आटे का पेड़ा आप इसको दे सकते हैं, वैसे सिंपल आटा भी दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा करना चाहें तो सरसों का ऑयल हो, ठीक है, उसमें गुड़ डाल के, वो मैं बनाऊँगा फार्मूला तो आपको बताऊँगा, उसमें जो है ना डिप करके आटे का पेड़ा शाम को एक दे दें बस। देखिएगा फिर इसके ऊपर शाइनिंग, ये तैयारी कैसे पकड़ता है। इसकी थोड़ी खुराक अलग होती है गाय बैल की, और जो बकरे दुम्बे हैं इनकी थोड़ी हल्की खुराक होती है, वो ज़्यादा हैवी खुराक जो है ना वो फिर उनको ख़राब करती है, ठीक है, बंद हो जाते हैं, फारा हो जाता है। बाहर हवाएँ चल रही है बड़ी प्यारी प्यारी, बारिश भी आ रही है। मुर्गों की भी खुराक बताऊँगा, अच्छा वाला मैं हकीम था इनका, लेकिन बीच में से शौक छोड़ा तो नहीं है, मतलब टाइम ही दे सका तो फार्मूले भूल ही गए हैं। अभी ये इधर काश की है ना मकई की, यहाँ सब्ज़ा उगेगा फिर जो है ना अयाशी हो जाएगी इनकी। बादल शादल गहरे बने हुए हैं, अभी बारिश आने का मकान है, अल्लाह करे हो जाए, गर्मी आज बहुत सख्त है। दड़ूने चेक करते हैं इनके अंदर बीज आए हैं कि नहीं, ओए ओए ओए। ये चेक करें दाने पाड़ गए, ये चेक करें, लेकिन अभी पक्के नहीं हैं, थोड़े थोड़े लाल होंगे ना फिर सही है। ये चेक करें हल्का सा लाल हुए, ये भी साथ खाना शुरू हो गए हैं। अभी इनको मैं उधर से थोड़ा जो है ना टहनियाँ छनियाँ उतार के देता हूँ, वो खाएं, है वैसे बड़े खुशी से खाता है बिल्ला जो है ना, ये इतना कमज़ोर नहीं है जितना रफ कंडीशन में लग रहा है माशाल्लाह से, ऐसी हैतमान दूध पीता रहे ना, ये सिर्फ ऊपर से कटिंग फ़र्क नहीं की है ना, फर्क आरस मानी, ये तीनों ने मिल के इसकी कटिंग की है, इसको अजीब सा बना दिया। ये चेक करें पुट्ठा देखें इसका, ठीक है, कानों पर एलर्जी भी हुई है, चराई करता रहे ना, बड़ा मज़ा आता है शौक करने में, आप भी करके देखिएगा इंशाल्लाह, कुर्बानी का शौक तो आपको मज़ा आएगा। अफोर्ड कर सकते हैं दो जानवर ले ले, एक सेल कर दें कुर्बानी कर दें, नहीं कर सकते तो एक तो लाजमी रखें ताकि आपके घर की कुर्बानी हो, एक जानवर पाल के कुर्बानी करना कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ मैंने कुत्ते इसलिए रखे हैं, वैसे मैं इनकी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, जानवर बाहर होते हैं ना चलें कोई फालतू चीज़ इनमें आए तो ये भोंग टोंग के बता दें। ओ बिल्ली, ये अभी दोबारा बाल आएंगे देखिएगा कितना प्यारा हो जाएगा माशाल्लाह से। दूसरा यह है कि जब भी देखिए ना व्लॉग, मैं शौक वगैरह करवाता हूँ अपने घर के, ये जो है ना चीज़ों का, परिंदों का, जानवरों का, माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि ये नज़र जो है ना खुशी से भी लग जाती है, चीज़ देखिए मतलब खुश भी होता है ना लग जाती है, लेकिन माशाल्लाह जब कहेंगे तो फिर अल्लाह ताला जो है ना महफूज रखते हैं नज़र से इनको। बिल्ले तुझे नज़र नहीं आता दिन को, तुझे गाड़ी डालेंगे, तेरी और पांडे की पक्की दोस्ती, ठीक है, दोनों एक ही जगह चराई करो, आगे पीछे नहीं जाना। अलग से मैंने इधर टहनियाँ काट के डाल दी हैं, अभी इनकी भी खुराक हो गई, बिल्ले के भी, और ये काम ख़राब है, ये चूचूजे बीच में घुसेंगे ना बिठे करेंगे फिर ये खाएगा नहीं पांडे मियाँ। इस मरतबा को कुदरती बात है, 3 3 इडियट बच्चे हैं, 3 वो जो है ना जुगनू हैं, 2-3 वो और 3 ये वाले, बस 3 ही रहे हैं, है तकरीबन 11-12 थे, कोई बिल्लियाँ खा गए हैं, कोई ऐसे मार गए हैं, चले कालू निकल चल बाघ। जानवरों को खाना छाना खिलाने के बाद खुद खाना खाया, अभी नंबर है छोटे टॉम एंड जेरी का, उनके लिए डाइट बनाने लगा, रोटी के बोरे बीच में सालन डाला है, एक टाइम पे दूध,
एक टाइम पे ये रोटी, ये बड़ी खुशी से खाते हैं, इससे जहर बाद भी नहीं होता सालन वाली रोटी से ना, और ये होते खाते भी बड़ी खुशी से हैं। आज पहली मरतबा डाइट बनाई है, यानी कि मुझे तो पता भी नहीं है, वैसे फ़र्क और अबू बना के डालते हैं। खाओ खाओ, लड़ाई नहीं करनी। ये गंदे मंदे हुए ना, इनके ना लगा के आना। ठीक है, जाते हैं टॉम एंड जेरी को, ज़रा उनको घुमाएंगे और ज़रा उनको वॉक शॉक करवाते हैं, और अभी थोड़ा सूरज ग्रूब हुआ है, ज़रा ठंडे के टाइम पे ये भी इंजॉय कर लें। ये जो है ना बिल्ले को बड़ा तंग करते हैं। बिल्ले आ जा, बिल्ला नहीं आता। टैनी मैनी टॉम एंड जेरी, उसे इधर कर दो। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें ये ये ये, आ जाओ 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 आ जाओ। ये खेलते हैं। अभी इनको वाक के लिए लेके आया हूँ, देखें कितने खुश हो रहे हैं। खोले ना, ये बकरियों के साथ भी खेलते हैं। अभी पानी अल्लाह करे आ जाए नीचे, फिर इनको डेली नहलाया करेंगे। अभी इधर घर में नहलाना इनको मुश्किल है, खुले पानी में ज़रा सही नहा लेते हैं। टैनी मैनी, टैनी मैनी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। इनको ट्रेनिंग अगर वहीं से देना शुरू करूँगा तो ये फुल ट्रेन हो जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर इनका कल से शुरू हो जाएगा। चलो चलो, कल तो बल्कि मैं घर नहीं आऊँगा, परसों से। टॉम जेरी, जेरी, अरे आवाज़ पहचान लिया। ये ब्राउन शेड पे आ रहा है, ये बाप पे गया है। इनका बाप जो है ना ब्राउन और वाइट था, और ये माँ पे गया फुल वाइट। बिल्ला उधर आ गया है, बिल्ले के पास इनको लेके जाऊँ। बिल्ले को बड़ा तंग करते हैं, फिर उसको चराई भी नहीं करने देंगे। वो जा रहा है बिल्ले को देख के। जेरी जा रही है पीछे, टॉम भी जा रहा है। सामने जाओ बिल्ले के पास। ओह ये देखिएगा, अब बिल्ले के साथ इनकी दोस्ती है, बिल्ले को तंग करते हैं। बबलू होता है ना, बबलू इनको टक्कर मारता तोड़ के, बूम। ये तो शरीफ सा है बिल्ला। चले जी, फिर आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।